अभी मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करूंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जिन जो अभी नया एडमिशन लेंगे उनसे रिलेटेड है वीडियो। जो ऑलरेडी पिछले ईयर एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए है, और जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है यानी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 427 फार्मेसी कॉलेज को डिबार किया गया। डिबार का अर्थ यह होता है कि इनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जैसे कि 2000 का नोट अभी बंद हो चुका है प्रचलन में, केवल उसके एक्सचेंजेस चल रहे हैं। इससे पहले 500 और 1000 के पुराने नोट जैसे बंद हुए थे, उसी को डिबार कहा जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 427 डी फार्मा कॉलेज, जो वहाँ के गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी एनओसी को समाप्त कर दिया। एनओसी का मतलब होता है नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि ये एनओसी बहुत ही ज़रूरी होती है यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कहीं पर करवा रहे हैं। फार्मासिस्ट बनने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद फार्मासिस्ट का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कॉलेज की एनओसी ज़रूरी होती है। अब ये कॉलेज जो डिबार हुए हैं यानी जिनकी मान्यता रद्द की गई है, ये 2023 सेशन में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और साथ ही साथ ये कभी भी कॉलेज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चे पुराने हैं इस कॉलेज में यानी जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं, जो 2022 में एडमिशन लिए हैं, या जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है, या एक्स स्टूडेंट हैं, तो उनका क्या होगा? तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय आपने एडमिशन लिया अगर उस समय कॉलेज की एनओसी है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिला हुआ है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कोई नहीं रोक सकता, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन जो बच्चे 2023 में एडमिशन ले चुके हैं इस कॉलेज में, उनका ना तो एग्ज़ाम होने वाला है और ना ही वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे। इसीलिए अभी एडमिशन लेने से पहले आप लोग कॉलेज का अप्रूवल लेटर ज़रूर देखिए। अप्रूवल लेटर कैसा होता है अगर आपको जानना है तो मैं अपने कॉलेज का आपको बता दूंगा, और एनओसी भी देखिए स्टेट गवर्नमेंट की कि एनओसी उनके पास है या नहीं। ये दो पेपर देख के ही आप एडमिशन ले, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके पैसे का सवाल है, और उससे भी ज़्यादा कीमती आपके समय का सवाल है। इसीलिए जो कॉलेज बंद हुए हैं उनका पूरा डिटेल मैंने कम्युनिटी वाले टैब में भी डाला है, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या कारण था जो इनको डिबार किया गया। और मैं बस इतना कहूँगा कि कहीं भी एडमिशन लेने से पहले यह न देखिए कि वहाँ कम पैसा लग रहा है, वहाँ पर यह देखिए कि उसको मान्यता मिली हुई या नहीं। अगर आप ऐसे कॉलेज में बहुत ही कम पैसे में एडमिशन ले लें लेकिन उसकी मान्यता नहीं है, तो यह आपके साथ अन्याय होगा और आपके माता पिता का जो पैसा है वो बर्बाद होगा और आप भी मेंटली रूप से टॉर्चर होंगे। इसीलिए पहले जांच लीजिए, उसके बाद एडमिशन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।